हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मेडिक वर्ल्ड पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे ये है कोफर्ब। कोफर्ब जो कि आई बिलीव एक्सट्रेंट एक देसी दवा के तौर पर है, ये खांसी आई बिलीव है, सिरप आई बिलीव सिरप है ये। आइए, ड्रॉप और सिरप दो फार्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल की, इसकी डोज की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की और एंड में हम आपको बताएंगे इसके रेट का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आई बिलीव कोफर्ब के इस्तेमाल की। कोफर्ब जो कि सीने के बलगम को ख़त्म करता है, गाढ़े बलगम को पतला करके ख़ारिज करता है और हर किस्म की खांसी में ये मुफीद है। आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, नमूनिया हो, सीना रुक रहा हो, गले में ख़राश हो, उसके अलावा बलगम ज़्यादा आ रही हो या बलगम फंस रहा हो गले में, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर किस्म की खांसी के लिए ये मुफीद दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है, ये देसी दवा है, इसमें ये देसी जड़ी बूटियों से दोस्तों बनाई गई है, जिसमें इसी वजह से इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। आपको अगर ऐसा कोई मसला हो तो आप इसे बार इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। कोफर्ब सिरप और कोफर्ब ड्रॉप, ये दो फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। कोफर्ब ड्रॉप जो कि आप एक दिन के बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। और जो कोफर्ब सिरप है ये बड़े बंदों में इस्तेमाल किया जाता है, ये 2-2 चम्मच 3 टाइम की डोज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसे गर्म पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा और हमें बताइएगा। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। कोफर्ब सिरप को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, पसीने का ज़्यादा आना, सर में दर्द भी हो सकता है, जिस्म में लूल, मैदे में दर्द, वर्म, इस तरह के मुख्तलिफ कैफियात से आप गुजर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करते हुए अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें और अपने मेडिसिन की को तब्दील करें, क्योंकि ये एक देसी दवा है और देसी जड़ी बूटियों से किसी को एलर्जी हो सकती है किसी भी फार्मूले से। अगर आपको इसे इस्तेमाल करते हुए कोई भी मसला हो तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें और अपनी मेडिसिन को तब्दील कराएँ। हामला औरतें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, उनमें यह कोई मसला नहीं करता, बल्कि उन्हें खांसी होगी तो उसमें इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त और अच्छा मिलेगा आपको। दूध पिलाने वाली माएँ भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। आप इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें तो यही आपके सेहत के लिए बेहतर होता है और आपके बच्चे की सेहत के लिए भी बेहतर होता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके रेट की तरफ। कोसोम अपना कोफर्ब ड्रॉप जो है वो 180 रुपये का एक ड्रॉप कास्ट करता है और जो कोफर्ब सिरप है तकरीबन 260 रुपये का एक सिरप कास्ट करता है। आपको मार्केट से हर अच्छे फार्मेसी और अच्छे स्टोर पर अवेलेबल मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आपकी यही सपोर्ट ही हमारे काम आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now.